अब पीटी जा लिए स्कूल, पीटी बन रही है पीके, पहन लीजिए ओली बोले लगा पाओगी okay. लगा लो ऐसा नहीं। हाँ हाँ अरे वाह, चलो फटाफट से जाओ। चश्मा क्यों लियो, चश्मा पहनोगे? बाय। जय माता दी फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरी नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी कपड़ा सुखाने, तो नीचे नहीं सूख रहा था, सोचा ऊपर सुखा के आते हैं क्योंकि धूप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए व्यू कितना सुंदर लग रहा है, और इतना मतलब धुंध टाइप का है कि नहीं दिख रहा है पहाड़ वहाड़ जो है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, सोचा आप सबको दिखाऊँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और ये पीटी पापा लाए थे आलू, नया आलू है ना, तो बहुत सारा इसमें मिट्टी है बालू टाइप का, तो मैंने सोचा इसको मैं धो देती हूँ, धो के धूप में रख दूँ सूख जाएगा, वरना चारों तरफ से बालू बालू गिरते रहेगा, तो इसीलिए मैं इसको धो लेती हूँ। और मिर्ची भी है, तो इन सबको मैं धो के और रख देती हूँ धूप में, इसका पानी सूख जाए फिर ला के बाद में रख देंगे। तो चलती है फटाफट से इसको धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची भी है, धो लेती हूँ मिर्ची को, और इसे धो के रख देने से तो इजी रहता है, निकालो फटाफट से डाल दो काट के, फिर नहीं तो बाद में धोना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे इस बस मतलब ये बोरा जो बिछाई है उसमें चावल था, तो मैं इसको कट करके और उस लंबा सा बना दी हूँ, और वहाँ पर आलू को धूप में सुखा दी हूँ और मिर्ची को। उसके बाद भी आ गई थी किचन में, और दे रही हूँ पीठी पापा को, ये अनार है और एप्पल है तो कट करके दे दूँगी। प्रीति को भी पहले दिया टिफ़िन में, और यहाँ पे प्रीति पापा को दे दूँगी। उसके बाद नाश्ता भी देना है बना के, तो पहले फ्रूट दे देती हूँ, उसके बाद फटाफट से रोटी बना के दूँगी। तो प्रीति पापा को देने गई फ्रूट, तो अभी रेडी होना बाकी है, बोल रहे थे मैं पूजा कर लेता हूँ, फिर मैं ला के ढक दी। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी रोटी, तो जब तक वो पूजा करेंगे तब तक हो जाएगा, जल डालेंगे सूर्य देव को, तो वो तब तक फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी में घी लगा दिया, और मैं बनाई थी करेला का भरवा, तो वो था, तो यहाँ पे दे दी हूँ नाश्ता, और रोटी और करेला का भरवा बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता कितना अच्छा धूप आई ना, खिड़की से बहुत अच्छा धूप आ रहा है, शिवा भी धूप में बैठ के खा रहा है। शिवा चाय जो लाइन नहीं चल रही बा छाली। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए, और यहाँ पर पीटी पापा नाश्ता कर रहे हैं। करेला का भरवा बनाई थी कल, तो वही है। हाय बोलिए। हाय। कहता ना पुराना जमाना का कपड़ा है ना। सात साल हो गए इसका। अच्छा कलर वाला सब ठीक बना, कलर
कलरवा बीच में दूसरा रोग लग रहा है, कलर आ रहा है। बाय, चले गए पीटी के पापा या बसी वगैरह पढ़ाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धनिया मैं डाल दी थी, जो धनतेरस के दिन धनिया मतलब पूजा किए थे ना, तो मैंने टब में रख दी थी। तो देखिए इतना सुंदर सी इसमें हो गया है धनिया। तो किसी दिन इसको लेके चटनी बनाएंगे। और यहाँ पे एलो, हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो सुबह का काम वाम करने के बाद नहा वहा ली, पूजा भी हो गया है और खाने का मन कर रहा है कड़ी चावल। तो आज सोच रही हूँ, चल बहुत दिन हो गया खाए नहीं, तो कड़ी चावल बनाएंगे। और दही है इसीलिए ये दही, और यहाँ पे निकाली हूँ बेसन, तो कड़ी चावल बनाऊँगी। तो और सोच रही हूँ प्याज का पकौड़ा बनाऊँ, आज प्याज का पकौड़ा डाल के बनाऊँगी। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, नहाने के बाद एक बार चाय पीने का मन करता है। तो ये देखिए चाय, और एक चीज़ दिखा रही हूँ, इसको देखिए इसका वजह से खिड़की को बंद करके रखना पड़ता है, फिर भी आके बैठा हुआ है। दे दी हूँ दाना सुबह सुबह, फिर और चाहिए उसको, तो अभी मैं खोलूँगी नहीं, बाद में दूँगी। तो पहले चाय पीते हैं और फटाफट से कड़ी की तैयारी करते हैं। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ कपड़ा धो के सुखाई हूँ, बहुत अच्छा धूप खिला है, ये सूरज देवता। और यहाँ पे धूप में बैठ के प्याज लहसुन काटती हूँ, और ये खाऊंगी चाय के साथ। घर के अंदर बहुत ठंडा लग रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, थोड़ा धूप है, तो चाय पी लेती हूँ यहाँ पर बैठ के। तो चाय वाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं 4 चम्मच बेसन ले ली हूँ, और यहाँ पे दही है तो डाल देंगे। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मिक्सी में डाल के और उसको एक बार चला देती हूँ, तो अच्छी तरह से उसका घोल बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और इसको एक बार घुमा दूँगी, बस इसमें घोल हो जाएगा। चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर देती हूँ, जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर इसको निकाल लूँगी, और जितना कड़ी बनाना है उस हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी ज़्यादा करके, ताकि एक बार में हो जाए और बाद में पानी ना डालना पड़े। तो यहाँ पे बना लूँगी, और प्रीति सीवा सब लोग हम लोग कड़ी खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बहुत दिन से सोच रही थी कड़ी बनाने के लिए, नहीं हो पा रहा था, दही नहीं था, तो दही आया है, तो देख के मन किया कि चलो बनाते हैं, तो वही बनाऊँगी। और आज प्याज का पकौड़ा डाल के दही बनाने का मन कर रहा है, तो वही बनाएंगे और खाएंगे। और वैसे सिर्फ बेसन से हम लोग में बनता है बड़ी, तो आज प्याज डालेंगे। और यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च है, और थोड़ा सा अदरक है, उसको पहले दरदरा वो कर लिया, पीस लिया है, बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल बिठा दी हूँ, उसमें डालूँगी 5 फोरन मेथी, और यहाँ पे है हींग डाल के, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे हल्का सा। भूनने के बाद मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, बिना प्याज का बनाऊंगी। तो ये लहसुन है, और कड़ी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जो तड़का में डालेंगे। तो यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक मैं डाली थी, तो वही है। तो हल्का सा इसको भून लूंगी, और भूनने के बाद उसके बाद इसमें मैं कड़ी जो मैं घोल के रखी हूँ ना, वो डालूंगी। तो आज सिंपल सा ही है, बस कड़ी है, कड़ी भात और है पकौड़ा, वही जो प्याज का पकौड़ा बनाऊंगी ना, तो वही हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, कभी कभी होता है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज़ बनाते जाओ मन करता है बनाने का, और आज ऐसा हो रहा है कि बस कुछ भी ना, सिंपल सा बनाओ खाना और खा ले ऐसा। और यहाँ पे मैं हल्दी डालती हूँ, नमक अभी नहीं डालूँगी, जब पूरा रेडी हो जाएगा कढ़ी तब मैं नमक डालती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी डाल के और इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे। और कढ़ी ऐसा है, जितना देर पकेगा उतना ही टेस्टी बनता है। तो इधर कढ़ी पक रहा है हल्की आँच पे, तो उसको चलाते रहना पड़ता है फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट में अगर हम नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे तो फट जाता है, इसलिए तो जब तक उबालना आए इसे चलाते रहना है, फिर नहीं फटेगा कढ़ी।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं प्याज को लंबा लंबा सब कट करके और इसमें जो मसाले हैं सब मिक्स करके बेसन डाल के और इसका पकौड़ा बनाऊँगी। पकौड़ा बना के थोड़ा सा इसको कढ़ी में भी डाल देंगे और दाल चावल मतलब कढ़ी चावल के साथ थोड़ा सा पकौड़ा होगा, बस लंच एकदम परफेक्ट मज़ा आ जाएगा खा के। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी बहुत अच्छा से उबल गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है, और जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिर्ची दिख रहा है, जब मैंने मसाला मतलब अदरक लहसुन को दरदरा पीसा था ना तो एक रह गया था, तो वैसे ही मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर हो गया है, मैंने दूसरी तरफ कढ़ी को रख दिया है, अभी भी बनने की है और थोड़ा देर और उसको उबालूंगी। और यहाँ पे पकौड़ा तल लेती हूँ, पकौड़ा तल के जो कढ़ी में डालना है डायरेक्ट मैं कढ़ी में ही डाल दूंगी, उसके बाद गैस को कर दूंगी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे पकौड़ा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ी हो गया है, मैंने इसमें डबल तड़का नहीं लगाया, बस एक बार में ही हो गया कढ़ी। और यहाँ पे पकौड़ा भी डाल दी हूँ और बचा हुआ जो है वो मैं पकौड़ा तल लूँगी, और ये पकौड़ा नहीं प्याज का भजिया है। तो यहाँ पे पकौड़ा बना लूँगी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बना के ले आई, उसी का पढ़ाई कर रहा था तो सोचा उसको थोड़ा सा दे दूँ, टेस्ट कर लेगा, और मैंने भी एक दो खा लिया। गर्म नहीं है तो यहाँ पे खा लेता है शिवा। और उसके बाद और यहाँ पे बैगन था तो सोचा फ्राई कर दूँ, नहीं तो ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ पे बैगन भी फ्राई कर दी उसी बेसन में, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के और थोड़ा सा मिक्स करके, बस बैगन फ्राई भी हो गया। तो हमारा यम्मी टेस्टी सिंपल लंच बन के तैयार है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी खा लीजिएगा। तो यहाँ पर निकाल के और खाना भी लेके गई हूँ मैं, सब कुकर उकर लेके गई हूँ, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, सब बैठ जाते हैं और सब लेके चले जाते हैं वहाँ पे, सब निकाल निकाल के देती हूँ और सब लोग एक साथ खा लेते हैं। अगर मैं अकेले रह गई, सब लोग खा लिए तो फिर मुझे खाने का मन नहीं करता है अकेले अकेले, इसीलिए सब लोग हम लोग एक साथ ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाना सब कर देती हूँ, देखिए बैगन भाजा, पकौड़ा और यहाँ पे कढ़ी, और बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा हुआ था। तो आ जाइए आप सब भी, कैसा